आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने खोली बीजेपी के खोखले वादों की पोल। हिमाचल प्रदेश, प्रकाश चंद शर्मा। आम आदमी पार्टी के एक आम कार्यकर्ता पदम सिंह भाटिया ने खोली बीजेपी की खोखली घोषणाओं की पोल। क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता, क्या कह रहे हैं पदम सिंह भाटिया? भाटिया जी नमस्कार। आपको भी नमस्कार। आप तक टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि दो दिन पहले जो विधायक साहब निर्मल कॉरपोरेटिव बैंक का उद्घाटन किया उसके ऊपर आप कमेंट दें, अपनी प्रतिक्रिया दें। काशी आप मुझे चैनल के माध्यम से मैं ये बल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि यहाँ बैंक का उद्घाटन किया, क्षमा चाहूँगा बैंक का उद्घाटन नहीं, एक एटीएम का उद्घाटन जो हमारे माननीय विधायक साहब इंद्र सिंह गांधी उन्होंने किया। नहीं उसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया दे कि वो एटीएम विधायक साहब कहते हैं कि वो एटीएम हमारी सरकार के द्वारा लगाया गया। ऐसा पूछो ना प्रकाशी, आप ऐसा पूछो उसके बारे में। मैं पूरी वन विधानसभा क्षेत्र की पूरी जनता को उसकी हकीकत से अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो एटीएम यहाँ माननीय हमारे विधायक साहब जो है, जैसा कि मैं पहले भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से विधानसभा वर्ग क्षेत्र के लोगों को बता चुका हूँ, ये जो हमारे विधायक साहब है इनकी कुर्सी जो है खिसक चुकी है और इनके पांव तले जमीन भी खिसक चुकी है और आनन फान में हर रोज जो है बल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि बल विधानसभा के लोग जो है बहुत संस्कृति सभ्य और बहुत बुद्धिजीवी आदमी है। अब मैं आता हूँ उस मुद्दे पर, आपने कहा जैसे विधायक साहब ने एटीएम का उद्घाटन किया, इसमें वास्तविकता ये है प्रकाश जी कि ये जो एटीएम है ये शायद 2012 या 2013 वर्ष में यहाँ कोई एक मैनेजर थे, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने एक गाड़ी जो है लोन के ऊपर ली थी, मेरी 2 महीने की किस्त टूटी थी, तो जो मैंने लोगों से उधार लेके पैसे जो मेरी एफडी थी कुछ 2-3 लाख रुपए की, वो 2 महीने की किस्त रुकने के बाद ही उन्होंने जो है मैनेजर साहब ने अपनी मर्जी से ही जो मैंने लोगों से उधार लेके पैसे की 2 या 3 लाख रुपए की एफडी बनवाई थी लोन के अंगेस्ट, मैनेजर साहब ने मुझे बिना कुछ बताए या सूचित किए ही सिर्फ 2 मासिक किस्त रुकने से ही जो मेरी एफडी को तोड़ के जो है वो मेरी गाड़ी का लोन जो है उस खाते में जमा कर दिया, जो बाकी पैसे बचते थे वो मेरे अकाउंट में जमा कर दिए, जबकि कानून के हिसाब से मैनेजर साहब ऐसा नहीं कर सकते थे। उस संदर्भ में मैंने एक शिकायत जो है शिमला इनके हेड ऑफिस को भेजी थी, जिसकी इंक्वायरी के लिए डीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मंडी उस समय के जो है आजकल एमडी शायद सुंदरनगर में है, वो इस शिकायत को सुनने के लिए आए और जनता के प्रति उस मैनेजर के प्रति भारी रोष था। जब इंक्वायरी यहाँ हुई तो इंक्वायरी जो है ये फॉरेस्ट वेस्ट हाउस में हुई, जिसमें इंक्वायरी के समय बाजार के बहुत व्यापारी वर्ग लोग जिनके साथ उन्होंने मैनेजर साहब ने अन्याय किया हुआ था वो सभी लोग टैक्सी यूनियन के प्रधान उस समय के चूड़ामणि पूर्व प्रधान भूतपूर्व सैनिक मोहनलाल शर्मा जी व अन्य टैक्सी स्टैंड के सभी पदाधिकारी व सभी सदस्य जो है उस इंक्वायरी को में शामिल हुए, जिसमें स्वयं मैं भी था। तो जब डीएम साहब ने सारी बातें सुनी तो जो है मैनेजर साहब के अगेंस्ट जो है कार्रवाई जो भी उनकी विभागियां बनती थी उसे हमें कोई लेना देना नहीं है वो उन्होंने की। तो उस समय जो है बाजार के नगर पंचायत के जो व्यापारी लोग थे, टैक्सी यूनियन के सभी लोग, उसमें स्वयं मैं था, हमारे बहुत सारे युवक साथी और महिलाएं भी उपस्थित थी, तो डीएम साहब जी से अनुरोध करके जो हमने जो है सभी लोगों ने अनुरोध किया था कि हमें जो है कॉपरेटिव बैंक रिवर्सल में एक एटीएम उपलब्ध कराया जाए, और डीएम साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ जो उस समय के डीएम साहब थे उन्होंने हम सब लोगों की बात को तुरंत मानकर जो है यहाँ के लिए एटीएम स्वीकृत कर दिया। उसके बाद एटीएम आ भी गया, उसके बाद दूसरे मैनेजरिया आए उन्होंने ये हवाला करके यहाँ पहुंचे वो एटीएम को वापस कर दिया कि यहाँ रिवर्सल में जो है हमारे बैंक के पास एटीएम के लिए कमरा या जो भी सुविधा है वो नहीं है, इस कारण जो है एटीएम उन्होंने वापस भिजवा दिया जो एटीएम चंबा में लगा। उसके बाद हमारे यहाँ स्थानीय जो कोमललाल शास्त्री जी मैनेजर आए तो मैंने उनसे बात पूछी कि मैनेजर साहब जो हमारा एटीएम आया था डीएम मंडी ने हमें दिया था वो कहाँ है, तो उन्होंने अपनी फाइलें कागजों में इसके देखने के पश्चात हुए वो बोला कि वो तो चंबा में लग गया। मैं क्या मैनेजर साहब करिए प्लीज इसका, बोले जी उसमें फाइल में लिखा रखा है कि हमारे पास कॉमेडेशन नहीं है,
तो हमने माननीय प्रधान जो हमारे कुशल्या देवी है उनके पास गए, मैं स्वयं प्रधान हूँ, और हमने ग्राम सभा में उसका प्रस्ताव रखा और जो उनके लिए एक अलग कमरे का कॉम्पिटिशन करके जो है एटीएम के लिए कमरा बना के टाइलें वगैरह पेंट वगैरह करा के जो है एटीएम यहाँ लगा। फिर आप मुझे बताइए कि इसमें माननीय विधायक साहब का क्या रोल है कि एटीएम का उद्घाटन करने को यहाँ आ जाते। नहीं तो विधायक साहब फिर जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं कि हमारे बीजेपी सरकार के द्वारा यह एटीएम प्रदान किया गया। चलो ये तो भाजपा की जो है जमीन पांव तले से प्रकाश जी खींच चुकी है, ये आए दिन कोई ना कोई जैसे हमारी लोकल भाषा में सोसा बोलते हैं उसको छोड़ते हैं, वो छोड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये इस वक्त बुरी तरह से बौखला गए हैं, एक सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, लेकिन आज की जो जनता है वो बहुत बुद्धिजीवी है, पढ़ी लिखी है। हमारे साथ जो युवा साथी हैं 18 साल से लेकर 30-35 साल तक के, बट इसमें युवा साथी जो हिंदुस्तान का भविष्य है उनके साथ साथ महिलाएं अधिकतर साथ जुड़े हैं पार्टी के साथ, और जो बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका भी हमें इस पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है, ये जो सहयोग हमें मिल रहा है इसके लिए मैं बर विधानसभा क्षेत्र के सभी आदरणीय मेरे बुजुर्ग मेरे युवा साथी माताएं बहनें तथा मेरे सभी दोस्तों को मैं अपनी मन की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, और मैं उनका हमेशा ऋणी था ऋणी हूं और जन्मों जन्मों तक उनका ऋणी रहूंगा। पद्म सिंह गठिया जी, मैं आपसे यह अभी जानना चाहता हूं, जैसे आज मुख्यमंत्री ने नेरचौक में घोषणा की कि ऊपरी बल के लिए ITI प्रदान की जाए, उसके ऊपर चार मतलब आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते। यह तो प्रकाश जी वही बात है, अब ये ऊपरी और लोअर बल कब से आने लगे, ये क्यों आने लगा, इसकी आवश्यकता क्या है आने की, जबकि विधानसभा बल क्षेत्र हमारा एक है। आप पूछ रहे थे ऊपरी बल क्षेत्र के लिए क्या घोषणा की, क्या पूछे आपने मुझसे? मैंने कहा ITI के लिए। ITI तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और हमारे जो माननीय विधायक इंद्र सिंह गांधी जी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो ITI है ये आज से 6 वर्ष पहले अगर ऊपरी क्षेत्र की इन्होंने बात करनी है तो मैं नहीं करता हूँ ऊपरी क्षेत्र की बात, ये तो बस आज से लगभग 5-6 साल पर इसके लिए धनराशि जो ऊपरी क्षेत्र अगर इनका कर है तो रिवर्सल के लिए जो है स्वीकृत हो चुकी थी और इसका पैसा भी आ चुका था। हमने इसके कागजात जो है जैसे कि हमारे गांधी जी बिना हवा हवाई जो उद्घाटन कर रहे हैं, जब विभाग से संबंधित जमीन नहीं होती है तो उस समय तो हमने ITI के लिए गरलौनी में जमीन भी उपलब्ध करा दी थी विधायक साहब को, लेकिन वो ITI है कहाँ है, वो तो कहीं और खुल गई, चलो बल में खुली अब इस बात की खुशी है, लेकिन अब वो ऊपरी क्षेत्र कहाँ से आ गया, जब आई हुई थी हमने जमीन उपलब्ध कराई हुई थी वो कहाँ गई, आज लोगों को फिर गुमराह कर रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब भी। बढ़ चढ़ कर जो युवा हमारे जो युवा है जिन जो हिंदुस्तान का भविष्य है वो सभी युवा जो है बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, कह रहे हैं पद्म सिंह भाटिया जी हम आपके साथ हैं, हम माननीय केजरीवाल जी की नीतियों के साथ हैं, आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह से जो है प्रकाश जी मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो विधानसभा बल क्षेत्र की बुद्धिजीवी जनता है मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी बताना चाहता हूँ, वो स्वयं भी जानते हैं, इससे कोई बात छुपी नहीं है, सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि इतने वर्ष पहले ITI आई थी, उसका पैसा भी था, जमीन भी हमने मुहैया विभाग के नाम करा दी थी, वो नहीं बन सकी है, आज इनके पांव तले से जमीन खिस चुकी है। इनके विधानसभा बल क्षेत्र के उम्मीदवार जो गांधी जी है वो आज मुझे लगता है अपनी जमानत भी बचा ना पाए नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए तो ये झूठी अफवाह है जो फैलाई जा रही है, जब आई हुई चीजों को कहीं और ले जाता है। चुनावी दौर आने वाला है, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हो सकता है तुरंत ही आचार संहिता लागू हो जाए, इनको तो ये तो एक चुनावी जुमला हो रहा है, ऊपरी जनता के साथ मजाक कर रहे हैं बीजेपी सरकार। देखिए प्रकाश जी ऊपरी या लोअर की इसमें कोई बात नहीं है, आप माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में आए, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आ सकते हैं, लेकिन ये जो जुमलेबाजी है जो उनकी नीति है, 5 साल तक सोए रहे, बेरोजगारों का हाल देख लो आप, युवाओं का हाल देख लो, 15 लाख रुपए की बात कही थी और काला धन की बात कही थी, आज अब ये बोल रहे उज्ज्वली योजना, उज्ज्वली योजना क्या है उज्ज्वली योजना, वो पहले कह रहे थे जी हमारी माताओं की आंखें खराब हो जाती है, उनके
हार्ट को खतरा हो गया, हम अपनी माता बहनों के लिए जो है उज्जवल योजना चला रहे हैं। मैं प्रकाश जी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज जो उज्जवल योजना है वो पता क्या बन गई है? उसमें 400 का सिलेंडर आता था, आज वही सिलेंडर 1200 का है। आज जो ये इनकी माताओं बहनों की जो किडनी और आंखें खराब हो रही थी उस लकड़ी के चूल्हे थे। प्रकाश जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो आज इस गैस के और पेट्रोल के उज्ज्वल योजना के ऊपर ही बोलूंगा, आज उसके रेट सुन के जो हमारी माताएं बहनें जो है जो खाना बनाती है उनके जो कीमतें बढ़ी है उनसे उनकी आंखें दिमाग और फेफड़े खराब होने लग गए। आज तो ये हाल हो गया कि शर्म के मारे लोगों हमारी माता बहनें घर में सिलेंडर लाती जरूर है, 100 पीस भर के कोने में पड़ा रहता है ताकि कोई मेहमान आ जाए तो जी सिलेंडर निकाला, ऐसे इतना पैसा कहां से लाएंगे? गुरुदेव जी नमस्कार, आप एक हाई कोर्ट के वकील हैं और शिमला तो आपका आना जाना लगा रहता है, गाड़ियों में भी बातें होती है कि जी कौन पार्टी क्या कर रही है। अब तीसरा पार्टी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में आ रही है, तो अभी पदम सिंह भाटिया जी ने जो बातें कही है आप उन बातों से सहमत है? क्योंकि किसान इस टाइम किसान हर मतलब हर वर्ग पीड़ित है, तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। पवन सिंह भाटिया ने जो विचार प्रकट किए और जो अपने उद्गार किए वो मुझे लगता है सच्चाई के बिल्कुल नज़दीक हैं और उनसे सहमति तो सच्चाई से तो बनानी ही पड़ती है और वो बिल्कुल ठीक है। तो जो इस वक्त आम जनता महंगाई का भार हो रही है उसके उपलक्ष्य में भी इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अच्छा वकील जी एक अंतिम क्वेश्चन आपसे मेरा यह रहेगा, आज मुख्यमंत्री ने जो ऊपरी बल के लिए एक आईटीआई की घोषणा की वो एक चुनावी जुमला है या अवश्य एक चुनावी जुमला ही लगता है? क्योंकि ऊपरी बल का क्या मतलब बना, या तो स्थान का नाम बताते हो कि इस जगह के वो हमने आईटीआई दी है, ऊपरी बल का तो एक सस्पेंस जैसी वाली बात है।